नमस्कार, DNX धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के बारे में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से आप सभी वाकिफ हैं, हर वर्ष आप सब इस रथ यात्रा में शामिल भी होते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ इसके पहले 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं। बीमारी से उठने के पश्चात उनकी रथ यात्रा निकलती है। आखिर क्यों पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष बीमार? भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की कहानी से आज आपको DNX धर्म कर्म में अवगत कराते हैं। उड़ीसा प्रांत में भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त रहते थे। भक्त का नाम था श्री माधवदास। माधवदास अकेले रहते थे। माधवदास का भगवान जगन्नाथ के अलावा शेष संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे, नित्य प्रति श्री भगवान जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे, प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, उल्टी दस्त से परेशान हो गए। लगातार उल्टी दस्त उनका जारी रहा। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे, पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी की भी नहीं लेते थे। माधवदास की हालत देखकर अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे आकर उनकी सेवा करने की बात करते थे, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश करते थे, लेकिन माधवदास का भगवान जगन्नाथ पर इतना प्रबल विश्वास था कि वे किसी की भी सेवा स्वीकार नहीं करते थे। कोई कहते थे, महाराज जी हम आपकी ये सेवा कर देते हैं, तो कहते थे, नहीं, मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि माधवदास, अब हम आपकी सेवा करेंगे। तो ये थी भगवान की लीला। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि माधवदास का रोग इतना बढ़ गया है, अब इस तक सेवक के रूप में पहुंचना अनिवार्य है। माधवदास का रोग इतना बढ़ गया था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे पता ही नहीं चलता था। वस्त्र उनके गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, माधवदास को स्वच्छ बनाते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त माधवदास जी की करी। भक्त माधवदास जी पर प्रभु का स्नेह निरंतर बरसते रहा। धीरे धीरे करके माधवदास ठीक होते गए। बेहोशी की हालत से माधवदास जी को जब होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। मन ही मन प्रसन्न हुए माधवदास। एक दिन माधवदास ने भगवान जगन्नाथ से पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर करते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने माधवदास से कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। परंतु जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर उसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं तो उसके लिए अगला जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। उस प्रारब्ध को भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म न लेना पड़े, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भक्त को बहुत छोटे से प्रारब्ध के लिए एक और जन्म लेना पड़े। तो उस रह गए प्रारब्ध के लिए तुम्हें अगला जन्म न लेना पड़े करके मैंने तुम्हारी सेवा की। बहुत छोटे से प्रारब्ध के कारण भी भक्तों को अगला जन्म लेना पड़ जाता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी मैं नहीं टाल सकता। ये थी भगवान जगन्नाथ की लीला। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। फिर भगवान जगन्नाथ ने माधवदास से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में अभी 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए तू 15 दिन का रोग मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग भगवान जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया और 15 दिन के लिए स्वयं बीमार पड़ गए। इसीलिए आज भी भगवान जगन्नाथ होते हैं 15 दिन के लिए बीमार। तो यह थी भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ की लीला। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्तवत्सलता देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिरों को बंद कर दिया जाता है भगवान जगन्नाथ के। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता।
बीमार हो तो परहेज रखना ही पड़ता है। इस बीच प्रभु को काढ़े का भोग दिया जाता है। 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ को काढ़ा का भोग लगता है। इस दौरान भगवान के समक्ष आयुर्वेदिक काढ़ा भोग के रूप में दिया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। इस सोच के साथ कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम करने के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरीके से ठीक होते हैं उस दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु लाखों करोड़ों की संख्या में असंख्य भक्त उमड़ पड़ते हैं। ये थी भगवान जगन्नाथ की कहानी। खुद पे तकलीफ़ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाएं, ऐसे तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं।